इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है, जहां आज यूसीसी को लेकर सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूसीसी को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयासरत है और आज सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी को लेकर रिपोर्ट सौंपी। यूसीसी के लिए नियमावली का ड्राफ्ट सीएम को आज सौंपा गया है। सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने की घोषणा भी कर दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यूसीसी को लेकर सचिवालय में आज बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम आला अधिकारी, मुख्य सचिव भी मौजूद नजर आ रहे हैं। ये बैठक की तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं और यहाँ पर देखिए, ये यूसीसी के लिए जो समिति बनाई गई है वो रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को आज यूसीसी नियमावली की ये रिपोर्ट सौंप दी है। और साथ ही आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने की घोषणा भी कर दी है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। राज्य स्थापना दिवस यूसीसी को लागू करने का ये बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार की ओर से लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सचिवालय में आज बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आज ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से ले लिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब नियमावली का अध्ययन उत्तराखंड सरकार करेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर यूसीसी लागू करने को लेकर समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को आज ये रिपोर्ट सौंपी है और यूसीसी के लिए नियमावली का ड्राफ्ट सीएम को आज सौंपा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। बता दें कि घोषणा की गई है, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी लागू होगा और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो यूसीसी को अपने राज्य में लागू करेगा।